हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि आज का ब्लॉग दोपहर में स्टार्ट हो रहा है और आज दोपहर से लेकर के कल दोपहर तक का जो भी मेरा स्टडी रूटीन होगा मैं उसको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो अभी लगभग 1:52 हो रहे हैं, मैं क्लास से आ चुका हूँ। तो अभी चलिए देखते हैं मॉर्निंग का क्या क्या टास्क कम्प्लीट हो चुका है और जो टास्क बाकी होगा उसको आज नाइट तक करेंगे और कल जो मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे वो तो होगा ही। तो अभी चलिए देखते हैं क्या क्या टास्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या बाकी है। और हाँ, हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग, टेल मी इन कमेंट सेक्शन। एंड न्यू व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मॉर्निंग में मेरा राइटिंग हो चुका है, करेंट अफेयर्स हो चुका है, इंग्लिश हो चुका है एंड जियोग्राफी हो चुका है। न्यूज़पेपर आज का मैं नहीं पढ़ा था क्योंकि मॉर्निंग में मैं पेपर लेने नीचे बहुत लेट से गया था, तो न्यूज़पेपर मैं अभी पढ़ूंगा। अभी फ़िलहाल न्यूज़पेपर को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी पढ़ना होगा। और साइंस का बुक भी मैंने ले लिया है, क्लास 9th NCERT। मैं 2 दिन से भूल जा रहा था बट आज मैंने ले लिया है इस बुक को। तो 4 टास्क कंप्लीट हो चुका है, बाकी सबको अभी कंप्लीट करना है। तो गाइज, आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है जिसमें मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो फिलहाल मैंने न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लिया है आज का पढ़ के, और अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ पॉलिटी क्लास 9th का। फर्स्ट चैप्टर तो इसका कंप्लीट मैंने कर लिया था उसी दिन, और आज मुझे पढ़ना था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर 2nd, बट आज मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूँ चैप्टर 1, क्योंकि उस दिन मैंने ठीक से चैप्टर 1st को पढ़ा नहीं था, ऐसे ही स्पीड में बस रीडिंग दे दिया था। तो गाइस, पॉलिटी में मैं वही चैप्टर पढ़ता हूँ दोबारा जिसमें कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी है एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में पूरे डिटेल में डेमोक्रेसी के बारे में समझाया गया है, अलग अलग कंट्री को एग्जांपल लेके, जैसे कि डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, ETC। एक कमेंट था रोशन यादव का कि वो 5 बजे उठने की कोशिश करते हैं बट उठ नहीं पाते हैं और वो 7 बजे उठते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको 5 बजे उठना है या मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो आपको 2 काम करना होगा। सबसे पहला ये काम है, किसी भी स्टूडेंट को 6 से 7 घंटा सफिशियंट नींद लेना चाहिए। तो आपको सबसे पहला काम करना होगा कि 6 से 7 घंटा नींद लेना पड़ेगा। और दूसरा काम ये करना होगा कि अगर आप 5 बजे उठना चाहते हो बट आप उठते हो 7 बजे, तो आपको ये 7 बजे वाला हैबिट को धीरे धीरे चेंज करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 7 बजे ना उठ करके आप सबसे पहले 6 बजे उठना शुरू करें, 1 घंटा पहले। उसके बाद 5:30 में उठना स्टार्ट करें, 5:30 का आप अलार्म लगा लो, 5:30 बजे उठो। फिर धीरे धीरे आप क्या करो, जब 5:30 का आपका हैबिट हो जाएगा उठने का, फिर आप 5 बजे का अलार्म लगाना शुरू कर देना और फिर 5 बजे आप उठना शुरू कर दोगे, तो फिर उसके बाद 5 बजे का आपका हैबिट हो जाएगा उठना। और जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ की हैबिट हो जाता है तो उसे आप जल्दी भूल नहीं पाते हैं। किसी भी हैबिट को अगर गेन कर लेते हो तो वो हैबिट आपका हमेशा के लिए हो जाता है। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे करके अपना हैबिट बनाओ, तब जाके आप 5 बजे उठ पाओगे। तो गाइज, पॉलिटी मैंने 1st चैप्टर ख़त्म कर दिया है फिर से पढ़ के, और अभी मैं जा रहा हूँ मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद किसी भी एग्जाम का एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा एंड देन हिस्ट्री एंड साइंस पढ़ेंगे। तो अभी मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बाकी थे मैं उसको कर रहा हूँ। तो गाइस, साइंस में चैप्टर 1st है मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इसमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवापोरेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यही सब टॉपिक उसमें दिए गए हैं। साइंस में 1st चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब मैं जा रहा हूँ हिस्ट्री पढ़ने, क्लास 9th NCERT। हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ने जा रहा हूँ मैं। 1st चैप्टर तो मेरा हो गया है कंप्लीट, 2nd चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन। ये भी चैप्टर बहुत लंबा है, 25 से स्टार्ट हुआ है पेज नंबर 25 से, और पेज नंबर 49 में 3rd चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यानी कि लगभग 24 पेज मुझे इसको पढ़ना होगा। कितना बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हैं जैसे कि द एज ऑफ सोशल चेंजेस, और इसमें भी मेन फोकस है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। सेकेंड टॉपिक है द रशियन रिवॉल्यूशन, सिविल वार। तो गाइज, अभी बज चुके हैं 9:00 और मैं अभी जा रहा हूँ खाना बनाने। तो अभी मैं लूँगा 2-3 आलू
और उसका बनेगा भुजिया। तो गाइस आटा मेरा सन चुका है और इसका मैं जा रहा हूँ कचौड़ी बनाने। मेरा इसमें हो जाएगा एकदम काम। थोड़े धनिया के पत्ते थे तो मैंने भुजिया में ऊपर से डाल दिया है, क्योंकि वो धनिया का पत्ता सूख रहा था। दिख तो बहुत अच्छा रहा है, देखते हैं स्वाद कैसा होता है उसका। तो गाइस मेरा खाना रेडी हो चुका है। यहाँ पे कचौड़ी है और भुजिया है आलू का, जिसमें मैंने धनिया के पत्ता डाला था, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अब खा लेते हैं। तो गाइस आज का मेरा जो भी दोपहर के बाद का जो टास्क बाकी था वो सब कंप्लीट कर लिया है मैंने। बस एक इकोनॉमिक बच गया, इसको मैं कल देखूंगा। और आज का जो टास्क कंप्लीट हुआ है मेरा, ये तो हो गया, बट कल मॉर्निंग में मेरा कल के लिए जो टू डू लिस्ट बनेगा उसमें का दोपहर तक का इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा सब चीज़ आज का ख़त्म हुआ है, अब चलते हैं सोने। और फिर कल मॉर्निंग में उठ के कल मॉर्निंग से लेके दोपहर तक का टास्क कंप्लीट करेंगे। तो गाइस बाय बाय, फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में और कल मॉर्निंग से दोपहर तक का टास्क कंप्लीट करते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट। 5 hours later। फिर मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपने बेड को कर लेते हैं ठीक, रजाई कंबल को फोल्ड कर लेते हैं और फिर रूम में लगा देते हैं झाड़ू। फिर फ्रेश होने के बाद अपना टू डू लिस्ट को तैयार करते हैं और उसके बाद अपने डे को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं राइटिंग लिखता हूँ वो राइटिंग लिख के कंप्लीट करता हूँ। और राइटिंग मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि राइटिंग लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो भी फास्ट में लिखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं होता है किसी भी आंसर राइटिंग को करने के लिए, 7 से 8 मिनट 10 मिनट ऐसा ही लगभग होता है। तो राइटिंग मैं रेगुलर इसलिए करता हूँ ताकि मेरा राइटिंग का स्किल थोड़ा फास्ट हो जाए। राइटिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे क्लास में इंग्लिश में सर ने कुछ होमवर्क दिए थे, मैं उसे बना लेता हूँ। तो गाइज आज मैं बाहर नहीं गया हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, और वैसे भी मैं एक्सरसाइज करने बाहर पार्क में रोज़ नहीं जाता हूँ। अल्टरनेट डे पे या मतलब सप्ताह में मेरा टारगेट रहता है कि 3 से 4 दिन चला जाऊँ बाहर एक्सरसाइज करने। तो अभी फ़िलहाल मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ रूम में ही अपने, तो मेडिटेशन कर लेते हैं उसके बाद तब करेंट अफेयर्स लिखेंगे। तो मेरा मेडिटेशन हो जाता है, फिर कुछ मैं पुशअप्स कर लेता हूँ। तो आज का मैंने करेंट अफेयर्स भी लिख लिया है, तो अभी इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, और जो हाइलाइटेड पॉइंट होगा उसको हाईलाइट कर देंगे। जब इसको एक बार रिवाइज करूं पूरे दिसंबर के मंथ्स के करंट अफेयर्स को, तो अच्छे से याद आए कि मैंने हाँ ये पढ़ा था, ये पॉइंट पढ़ा था, इसलिए मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करके तब उसको पढ़ता हूं। तो करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वहाँ के अभी CM चेंज हो गए हैं इलेक्शन के बाद, जो कि न्यू CM अभी बने हैं मोहन यादव, तो उनका भी नाम मैंने यहाँ लिखा है। बट यहाँ पे पर्सनली मैंने एक अलग पेज में अभी जो 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे और वहाँ के कौन कौन से न्यू CM बने हैं उनका नाम मैंने लिखा है, जैसे राजस्थान के भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णु देवसाय, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, और यहाँ पे ये सेकेंड CM है तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट CM कौन थे वहाँ के, उनका भी मैंने नेम यहाँ लिखा है। और फिर मिजोरम के न्यू CM लाल दुहुमा हैं, तो ये मैंने लिखा है करंट अफेयर्स, 5 नेम मैंने लिखा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस सब के बाद अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 8:20 और अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने ज्योग्राफी क्लास 9th का Chapter 3, जो कि है ड्रेनेज। और इस चैप्टर में इंडिया के टोटल रिवर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। तो गाइज आज मेरा जो भी मॉर्निंग का टास्क था वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अभी न्यूज़पेपर पढ़ना बाकी है, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है बिकॉज अभी 9:30 हो चुके हैं मॉर्निंग के, और मेरा अब टास्क होगा खाना बनाने का, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा कुछ
बर्तन है उसे धो के और खाना बनाऊंगा, और अगर टाइम बचेगा तो खाना खा के क्लास जाएंगे, वरना फिर क्लास से आके तब खाना खाएंगे। मैंने ये जो ब्लॉग था कल दोपहर से लेके आज के दोपहर तक का मुझे शूट करना था, तो अभी मैं खाना बनाऊंगा, स्नान करूंगा, फिर कोचिंग जाऊंगा, फिर आऊंगा लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच में, तो दोपहर तो हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कल है संडे तो कल संडे का भी ब्लॉग शूट होगा, और संडे का ब्लॉग आपको मंडे को मिलेगा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार। बाय बाय।